अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है कौमी आमदनी का तवाज़ुन। कौमी आमदनी का तवाज़ुन, कौमी आमदनी में जो तवाज़ुन होता है उसके दो तरीके होते हैं। इसके मुताबिक पहला मजमूई तलब बराबर होती है मजमूई रसब के, दूसरा बचते बराबर होती है हमारे सरमाया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौमी आमदनी में जो तवाज़ुन है मजमूई तलब और मजमूई रसब के तरीके से। मजमूई तलब जिसको हम एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं और इसकी इक्वेशंस होती है y = c+। मजमूई तलब से मुराद ये ऐसी आमदनी होती है जो आमीने पैदाइश अशिया और खिदमात को पैदा करने के बाद कमाते हैं और इसमें से वो कुछ सरफी अखराजात कर देते हैं और कुछ को वो इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ सरमायाकारी कर देते हैं। सरफी अखराजात और सरमायाकारी का मजमुआ जो होता है वो कौमी आमदनी के बराबर होता है, इसी को हम कहते हैं ये मजमूई तलब है। जैसे जैसे सार्फिन की या लोगों की आमदनियाँ बढ़ती जाती हैं तो मार्केट के अंदर जो मजमूई तलब होती है उसके अंदर भी इजाफा होता चला जाता है। अगर आमदनियाँ कम हो जाएंगी तो मजमूई तलब में भी कमी वाक़ हो जाती है, इसका आपके पास हक बनता है। C plus I, जबकि तो ये पॉजिटिव स्लोप है। जैसे जैसे आमदनी में इजाफा होगा मजमूई तलब में इजाफा होता चलेगा, आमदनी में कमी होगी तो मजमूई तलब में भी कमी वाक़ हो जाएगी। उसके बाद मजमूई रसब जिसको हम कहते हैं ये एग्रीगेट सप्लाई है आपके पास, मजमूई रसद जो है आपके पास, मजमूई रसद से मुराद ये कौमी आमदनी का वो हिस्सा होता है जो आमीने पैदाइश अपनी खिदमात बयान करने के बाद, अपनी खिदमात पेश करने के बाद, अशिया खिदमात की जो मकदार जो पैदा करते हैं उन्हीं के बदले में जो इनको मुआवजा मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, मजमूई रसद कहते हैं। और इस मजमूई रसद में क्या होता है कि y जो होता है वो बराबर हो जाता है आपका C+S। इसमें उससे वो कुछ तो खर्च कर देते हैं, सबके अखराजात पर लगा देते हैं अपनी आमदनी, और कुछ जो होते हैं वो बचतों पर लगा देते हैं। तो इसकी जो डायग्राम बनेगी वो भी पॉजिटिव स्लोप होती है, बट वो स्टार्ट आपकी ओरिजिन से होता है C+S। तो जैसे जैसे आमदनी में इजाफा होता जाएगा मजमूई रसद के अंदर भी इजाफा होता जाएगा, आमदनी में कमी हो जाएगी तो मजमूई रसद में भी कमी वाक़ हो जाएगी। तो ये हो गया मजमूई तलब एग्रीगेट डिमांड्स और ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई। तो कौमी आमदनी में तवाज़ुन वहाँ पर होता है जहाँ पर मजमूई तलब और मजमूई रसद जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ये है आपके पास कौमी आमदनी, ये है C+I और C+S, C+S और ये है C+। जिस जगह पर ये क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर कौमी आमदनी का तवाज़ुन बनता है, जिस जगह पर तवाज़ुन हो वहाँ पर तवाज़ुन आमदनी के पास। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों ही आपस में क्या है बराबर। इस तवाज़ुनी पॉइंट को जज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट आगे की तरफ चले जाए। अगर आगे की तरफ जाते तो यही यहाँ पर पहले तलब है बाद में क्या है रसद, रसद ज़्यादा है किसके मुकाबले में, तलब के मुकाबले में। एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड के मुकाबले में, मार्केट के अंदर मजमूई रसद ज़्यादा है मजमूई तलब कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट में चीज़ों की प्राइसेस कम हो जाएंगी जिससे आजर ताजर को क्या होगा, नुकसान होगा, वो अपना कारोबार बढ़ाने की बजाय कम करेगा जिससे कौमी आमदनी में भी कमी हो जाएगी। आप वहाँ पर आ जाएंगे जहाँ पर तलब और रसद आपस में बराबर,
उसके बाद सेकंड है आपके पास वाई डबल प्राइम आपके पास, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर पहले ये किसको टच कर रहा है, रसद को, बाद में किसको टच कर रहा है, तलब को। तो यहाँ पर कंडीशन बन गई कि एग्रीगेट डिमांड जो है ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, मजमुई तलब ज़्यादा है मजमुई रसद के मुकाबले। अगर मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूसर को बेनिफिट होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी तो वो अपना कारोबार बढ़ाएगा, जिससे लोगों के रोज़गार में इजाफा होगा, कौमी आमदनी में भी इजाफा होगा। यहाँ पर ये कमी हुई थी उसमें इजाफा हो जाएगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर मजमुई तलब और मजमुई रसद दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ये है कौमी आमदनी का तवाज़ुन। यहाँ पर मौशियत जो होती है वो कम होती है, जहाँ पर मौशियत में क्या होता है इजाफा, यहाँ पर लीकेजेस होती है और यहाँ पर इंजेक्शन होता है। ये इंजेक्शन का एरिया और ये लीकेजेस का एरिया। इसके बाद हम रियाजियाती तरीका हम पढ़ते हैं कि कौमी आमदनी में जो तवाज़ुन होता है, वाई की जो इक्वेशन होती है उसको हमें प्रूव करना होता है। मैथमेटिकल इक्वेशन है आपके पास, कौमी आमदनी की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू सी प्लस C बराबर होता है C नॉट प्लस स्मॉल c है, I बराबर होता है I नॉट। इक्वेशन क्या बन गई C प्लस I, क्या जाती होता है C की जगह पे C का फॉर्मूला पुट कर दें, C नॉट प्लस स्मॉल c y प्लस I बराबर होता है I। तो इस y को इस तरफ में y माइनस सी वाई इज इक्वल टू सी नॉट प्लस I नॉट, दोनों में से y कॉमन ले वन माइनस c प्लस आई नॉट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है जहाँ ये आपके पास क्वेश्चन है। लेट्स सपोज हम ये सपोज कहते हैं कि सी बराबर है आपका 100 प्लस 0.5 है और आई जो है वो बराबर है 200, आई बराबर होता है आपका आई नॉट। इक्वेशंस में पुट कर देते हैं वाई बराबर होता है सी प्लस आई, सी बराबर है आपका 100 प्लस 0.5 और आई आपके पास है 200। इसको उधर ले वाई माइनस 0.5 आई इज इक्वल टू 300, 1 माइनस 0.5 आई ये हो गया आपके पास 300। अब आपके पास कौमी आमदनी कितनी आ गई 600 आ गई। हमने प्रूव करना होता है वाई जो होता है बराबर होता है सी प्लस आई, आई तो हमारे पास प्योर फॉर्म में पड़ा जबकि सी जो है प्योर फॉर्म में नहीं पड़ा। हम क्या कहते हैं सी की इक्वेशंस में कौमी आमदनी की इक्वेशंस में वैल्यू 100 प्लस 0.5 वाई आपके पास 600 प्लस तो सी आपके पास आ गया 400। इक्वेशंस में पुट करते हैं y बराबर होता है सी प्लस आई, सी कितने आपके पास 400 है और आई कितना था आपके पास 200 है, 600 हो गया आपका। तो y जो होता है बराबर होता है 600। जो आज का हमारा लेक्चर नहीं बाकी है, बहुत सारे प्यार रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Thank you.